तो मैंने क्या वहां पे अंडे देने जाना, मैंने जाने वहां 2 महीने मतलब रहने क्या देखने सही कुछ है ये और अंडे सब देने जाने के इतनी जल्दी निकल। अगल कोई कैमरा शैमरा तो नहीं चेक कहीं कर से लो, किया हुआ? कहीं पे भी देख आपको लो। कुछ पता भी नहीं होता हाँ ना। देख लो कैमरा प्रैंक यार, यही रहेगी बस। जाओ छोड़ जाओ, जिससे से मुझे आपको कसम लगे जब साल रो 2 साल रो मुझसे कांटेक्ट ना करना कोई। लोग खुश होते हैं इसको यहाँ पे रोने लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? और यार वेलकम टू द न्यू वीडियो। और पिछली वीडियो में थी, आपको पता है मैंने प्रैंक किया था, तो जिसने नहीं देखी भाई जाके चेक करें उस वीडियो को, लाइक करें शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बिल्कुल रॉ प्रैंक्स होते हैं मेरे, कोई मतलब इसमें कोई फेक शेक वाला कोई सीन नहीं। तो यार घर वाले जो इस टाइम बाहर खाना वगैरह खा रहे हैं और वाइफ किचन में आई गेस, तो अभी थोड़ी देर वेट है, वेट के बाद जैसे ही रूम में आएंगे वापस तो फिर वहां से हम करेंगे व्लॉग को कंटिन्यू, व्लॉग नहीं सॉरी प्रैंक को कंटिन्यू, पूरा आपने देखना है। तो मैंने ये सोचा था बेसिकली कि मैं ना थोड़े दिन पहले ना मैं अपने दोस्त से जा रहा था ट्रैवल एजेंट के पास, उसने दुबई ट्रैवल करना था, तो टिकट की प्राइसिंग और वीज़ा वगैरह के बारे में ना सारी मैं इन्फॉर्मेशन देने गया हुआ था। तो अब मैंने ये सोचा, मेरी वाइफ को नहीं पता था कि क्या सीन हो रहा है किस तरह से, तो मैंने कल से एक दिन पहले मैंने जिक्र किया था कि ना मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया अपने लिए, हालांकि अपने लिए नहीं कुछ भी किया था मैंने। तो अब मैं सडनली ये कहूँगा कि भाई मेरा तो वीज़ा भी आ गया, फलाना मेरी टिकट के भी हो गया अरेंज, ट्रैवल एजेंट ने कहा है इस तरह से ना, तो मुझे ट्रैवल करना है विदिन नेक्स्ट 2-3 डेज फौरी फौरी तौर पे। तो मैंने सोचा इस पे प्लान बनाते, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। यार काश मैं नजर आ रहा हूँ कैमरे के अंदर, ये ना सारी मेहनत जाया जाए, क्योंकि आपको पता है मोबाइल बैक कैमरा से वीडियोस बन रही होती, नहीं पता लग रहा होता। कोशिश तो मेरी पूरी है कि शायद मैं नजर आ रहा हूँ। बारिश की वजह से सारे दरवाजे अजीब से हो गए। ऐसे ही है। सच बताना खाना कैसा बना था? हाँ मजे का, अच्छा था। कितना सॉफ्ट था ना ये वाला मीट। अच्छा मटन जैसे ही लग रहा था। ये बना क्या था? बीफ वीन बीफ या जो बीफ एक ही लेके बात आए हो जाएगी। थे नहीं, इस बार बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट निकला है ना। मेरा अम्मा है कभी बची जा रहा था, दो चीजें हमें हिम्मत ही नहीं उठने की, मूवी देख रहा था फिर मैंने बैटरी डेड हो गई, तो उधर फेंक दे देना मेरा मोबाइल, वो छोटे वाला जिसपे कॉल आती है। आपका या मेरा? मेरा मेरा ओहो यार शिट ये चार्जर ऑफ कर दूं क्या? भी करना चार्ज या मैं लगा दूं क्या मोबाइल चार्जिंग पे? हाँ लगा लो, लगा तो दिया लेकिन शिट यार इस टाइम में कॉल करता हूँ फिर क्या पता। हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं करें बोल देना। हेलो वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? आपकी कॉल आ रही थी, मेरा ना मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था। जी, हाँ मैं देख ले तो नहीं, ईमेल टिकट में टिकट कर लेते हैं जितना जल्दी हो सकता है, तो वीजा का मैं प्रिंट ले लूँ। ठीक है, अच्छा आपने ईमेल कर दिया, ठीक है तो टिकट का भी फिर देख लें आप। टिकट मंडे की चले, मंडे की कर दें कोई मसला नहीं, बस सही अब हो गया काम, मंडे को इकट्ठे में आप देख लें, मंडे या ट्यूसडे की टिकट कर दें, पैकिंग चेक मेरी होने वाली, पैकिंग में कर लेता हूँ कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है जी, हाँ चले मैं आपको बताता हूँ, चले चले आप मुझे मंडे को बता दीजिए। ओके अल्लाह यस, क्या टिकट हो गया यार काम, क्या फोन किसका फोन था? ट्रैवल एजेंट का था वो, मैंने दुबई के लिए अप्लाई किया था थोड़े दिन पहले, जा रहा था ना दुबई, तुम्हें पता ही होगा वहाँ। क्या मतलब दुबई के लिए अप्लाई किया था? दुबई हाँ मेरा दोस्त दुबई भी की गया है ना अभी बात कर रहे रिसेंटली, हैं? जैसे मैंने कहा नहीं था मेरे दोस्त और मैंने अप्लाई करना है, तो वो तो खैर चला गया था, मेरा जो सीन बाद में हुआ है, तो मेरा वीज़ा आ गया, वही ट्रैवल एजेंट कह रहे टिकट कब की करनी है, मंडे की करनी है ट्यूजडे की, तो कह रहा था प्रिंट आप ले लीजिएगा, बड़ा उससे भी प्रिंट निकाला हुआ है तो पासपोर्ट ये का। सारी प्लानिंग का किस टाइम किया आपने?
तुम्हारे सामने हुए, मैं लास्ट वीक भी गया हूँ। मुझे तो आपने एक दफा भी आपने कहा था कि दोस्त के लिए मैं ट्रैवल एजेंट के पास जा रहा हूँ, आपने मुझे तो वो कटा कि आपने मेरा अपना भी किया। फिर यार क्या मैंने भाई दोनों का जाना है, उधर एक कंपनी ने बुलाया उनको जाके मिलना है। बस कितने दिनों का? देखो अगर वो वहां पे मेरा वीजा ट्रांसफर कर देंगे तो फिर तो ऑब्वियसली दो साल का एग्रीमेंट होता है जॉब का, लेकिन अगर जॉब नहीं मिलती वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान फिर तो। दो साल? हाँ। और अगर सपोज नहीं मिलती फिर? तो फिर ये कि 2 महीने बाद में वापस आ जाऊंगा, 2 महीने का वीजा, पहले 3 का होता था अब 2 का हो गया। आप सोच रहे हो, आप बात कर क्या रहे हो मेरे साथ बगैर प्लानिंग के? आपने सारा कुछ कर दिया मुझे, आपने बताया तक नहीं, और आप इस तरह से बात कर रहे हो। आप उस दुबई नहीं, अपनी दुबई चौक जा रहे हो। दुबई चौक ये किधर? कहीं ना कहीं होगा ही ना दुबई, ये पिछले मोहल्ले में जा रहे हैं दुबई, जा रहा हूँ मैं अभी आता हूँ, ऐसे तो नहीं होता ना। मैंने क्या करना पीछे से? ये खड़ा 3 घंटे का सफर है, यहाँ से मुल्तान जाते हैं 3 घंटे लग जाते हैं। नहीं अगर मिल जाती है जॉब फिर ऑब्वियसली उधर नहीं, फिर ऑब्वियसली उधर रहूंगा, फिर 6 महीने 8 महीने देखूंगा क्या सैलरी है, किस हिसाब से अफोर्ड वन फैमिली हो सकती है। अगर तो हो सका तो फिर तो डेफिनेटली तुम्हें 6 महीने तक बुला लूंगा। किस तरह की प्लानिंग है कि जिसमें आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं, खुद से प्लान कर लिया? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जॉब दुबई के रूल डिफरेंट है, वहाँ पता लगता है कि क्या क्राइटेरिया है। आप जैसे मर्जी जाओ, लेकिन आपने मुझसे पूछा पहले क्या मैं इस तरह, मतलब पूछा जो पूछा भी छोड़ दो, मुझे एटलीस्ट ये बताया कि आप वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आपने तो कहा ट्रैवल एजेंट ने ही वहाँ पे किसी से रेफरेंस दिलाया ना, इसी ने कोशिश की। इधर भी तो क्या करना, वही पीछे गांव चल जाता हूँ, जमीन वगैरह देख लेते हैं, वो भी पता है सीजनल काम है, वो वैसे तो नहीं जाओ। लेकिन एक तरीका क्या होता है ना, अब बीवी यहाँ बैठी हुई और आप यहाँ पे प्लान कर जाने के, 2 साल मैं वहाँ रहूंगा, ये है वो है, मैं मतलब 2 साल क्या करूंगी? अभी देख लेते हैं ना क्या सीन, देख लेते नहीं ये। अच्छा वो प्लान पैकिंग चेकिंग करनी स्टार्ट, वो कह रहे हैं आप कल तक पैकिंग फाइनल कर। आप कह रहे हो कि टिकट है मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे ये परसों? हाँ तो ये परसों कह रहे हैं मंडे को चलते हैं, उसने मंडे उसकी अपनी भी फ्लाइट है, उसने वहां जाके वहां सारा काम करवाना है। डिस्कस करना चाहिए था। सेकंडली आप ये ढीठों की तरह उन्हें हंस के ना दिखाओ। सेकंडली ये क्या बात है कि परसों की टिकट है? मेरे से पूछे मेरे कोई प्लान्स है नहीं है, शादी थी मेरी फैमिली में कितनी क्लोज, आपको पता है हमने वहां जाना है, ठीक है शादी को भी छोड़ दो, ठीक है मैं ये नहीं। मुझे हंसी इस चीज की आ रही है ना, तुम्हारा ना ये जो माइंड है ना ये पता नहीं किधर बिजी होते। मैंने खुद तुम्हें कहा पिछले हफ्ते कि मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त तो मैंने बाहर का ट्राई करने में जा रहा हूँ। नहीं आपने तो कहा था कि अब इसको टाइम लगेगा महीना 1.5 महीना। चलो अगले परसों हो गया, जरा 2 दिन में तो वीजा आ जाता है, 48 घंटे में उन्होंने वीजा दे दिया। पहले यहाँ से मैंने यहाँ से पहले जाने शारजा, शारजा से मैंने आगे दुबई चले जाना, साथ ही शारजा। आप तो पहले कहते थे दुबई में कपल वीजा है तो कपल जाएंगे आप? शारजा में सिंगल वीजा आ रहा था ना वीजा एंट्री, तो मैंने सिर्फ शारजा भी ले लिया था, वहाँ से बस में सीधा दुबई, साथ ही है 2 घंटे का रास्ता। चलो आप चले गए दुबई, अब बताओ मैं पीछे से क्या करूंगी? इधर ही घर पे। क्या मतलब घर? क्या मतलब अभी पहले क्या करते हो, घर पे होते हैं? तब तो आप भी होते हो, तो घर वाले घर पे ही होते हैं। तो मैंने क्या वहाँ पे अंडे देने जाना, मैंने जाने वहाँ 2 महीने रहने देखने के जॉब शॉप देने जाने के, इतनी जल्दी निकल रहे हो? नहीं कि जॉब शॉप का देख रहे हैं वहाँ पे क्या सीन, अगर तो जॉब बन गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वापस, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे बताओ क्या सीन है, कपड़े वगैरह कुछ? अब कल परसों तो ऑफ है, तो कोई अगर कुछ चीज लेनी, वैसे जरूरत तो नहीं हमारी की जानी है, टी शर्ट वगैरह होंगी मेरे पास, फॉर्मल की शर्ट्स पैंट्स वगैरह। ये नहीं सोचे कि पीछे से तुम यहाँ पे होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ सही रख के जाऊँ, कुछ इंतजाम करके जाऊँ? क्या किस चीज की कमी है? मतलब आप कमी की बात नहीं थी, मतलब आपका कोई फर्ज नहीं, कोई एक तो मुझे बताया है नहीं, ऊपर से अभी परसों टिकट के आप सही बोल रहे हो, मैं प्रैंक कर रहे हो, अगर प्रैंक कर रहे हो तो अभी प्लीज यहाँ पे स्टॉप कर दो, अगर तो ये प्रैंक है, अगर तो ये मजाक है ना तो मैं सीरियसली यहाँ पे ना एनर्जी वेस्ट करो ना मेरे इमोशंस के साथ खेलो, अगर तो ये प्रैंक है मुझे बता दो। नहीं मैं पागल हूँ, कोई कैमरा शैमरा तो नहीं चेक कर लो कहीं पे भी, देखो आपको कुछ पता भी नहीं होता। हाँ देख लो कैमरा प्रैंक यार ये रहेगी बस। मुझे यार मैं क्या मजाक करूँ, मैं गया हूँ या नहीं, मैं 3 दफा गया हूँ या नहीं, कर लो खुद ही तैयारियां, जाओ छोड़ जाओ पीछे से मुझे, आपको कसम लगे जब साल रहो 2 साल रहो मुझसे कॉन्टेक्ट ना करना कोई। क्या मतलब ये क्या है यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कि आप परसों जा रहे हो, तो परसों जा रहे हो तो अच्छा अगले दिन का कर लो, उससे नेक्स्ट डे कर लो, जाओ नेक्स्ट वीक कर लो किसी भी।
फजूल तरीके यार। मेरा लगेज वगैरह मुझे दे दो निकाल के, अभी पैकिंग कर लूँ सुबह कर लूँ, बता दो यार कंफर्म। उसे ट्रैवल एजेंट को फोन करो, तो आज रात की मिल सकती है टिकट? भाई आज रात का तो पॉसिबल नहीं है, वो भी बसों की वजह से। अगर पॉसिबल होता तो चलेगा थे आज भी? हाँ जितना अर्लीस्ट हो सकता है निकलूँ जाऊँ, इधर भी तो सारा दिन तुम्हारा दिमाग ही खिचखिच सुननी होती है। ठीक है फिर, अब आपको खिच खिच नहीं सुनने को मिलेगी। ठीक है जाओ आप, खुश मैं खुश हूँ आप जा रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, नहीं तुम्हें कोई इशू है यहाँ पे? मुझे, मैं बहुत खुश हूँ आप जा रहे हो। हाँ यही तो बात है सिंपल सी। अब उठ के मेरा थोड़ा सा सामान वगैरह निकाल दो, लगेज वगैरह देखो कि यहाँ पड़ा फ्री लगेज पड़ा है या नहीं, देखो ना यार क्या हो गया। लोग खुश होते हैं इसको यहाँ पे रोने लगे हैं। ये ऐसे कैसे रखनी है, लगेज होगा तो फिर ही रखूंगा ना, फॉर्मल ही रख दो। पेंट कोट वाला, पेंट कोट्स भी चाहिए दो, और साथ उसकी शर्ट वगैरह और वो बैग वगैरह दिया। ये क्या चार जोड़े दे दी, दो पेंट कोट, ऐसे थोड़ी होता है। स्टोर से लगेज उठा रहे हैं अभी सारे पेंट्स यार, करो ना सीरियसली जाके ले जाते हैं। किधर जा रही हो यार, ये तो इस पैक कर दो। ऐसे पता नहीं कहीं बाहर चली गई यार, अच्छा ज्यादा ही हो गया आई थिंक रेंट। मैं जाके देखता हूँ यार क्या सीन है, जाके तो बैग शेक का पता है, शायद वो बैग शेक में देने चली गई। मैं जाके बाहर देखता हूँ फिर क्या सीन है। ठीक है यहाँ पे वीडियो को पॉज कर, वहां से बाद में कंटिन्यू कर। यार वो तो सीरियस होकर जाके अम्मी अबू के साथ कमरे में जाके बैठ के डिस्कस करने लग गया। मैं अंदर नहीं अभी जा सकता, चूंकि फिर टाइम भी काफी हो रहा है, तो वो भी डिस्टर्ब होंगे, वो ऑलरेडी अंदर को मसला बना हुआ, वहाँ पे डिस्कस करें। मैं वीडियो को करता हूँ यहाँ पे एंड, और उम्मीद है आपको प्रैंक पर अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरी वीडियो को, और पिछली वीडियोज को भी देखिएगा। और यार मैं जाके ना मसला जरा सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और यार, जाते जाते मजीद आपको कोई प्रैंक चाहिए जिस तरह की भी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। ठीक है आज की वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।